हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद अंशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगी नाइट क्रीम आपने किस तरह बनानी है। नाइट सोने से पहले गाइस आप जो अपने फेस पे क्रीम लगाएंगे वो क्रीम आपने किस तरह बनानी है, जिसे आपने ओवरनाइट अपने फेस पर ऐसे छोड़ देना और मॉर्निंग आपका फेस बिल्कुल आपको खिला हुआ मिले गाइस। तो इस क्रीम को बनाने से पहले मैं गाइस आपको बता दूं इसमें मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, जितने नहीं, इसमें ओनली 2 इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं, और वो जो है एलोवेरा जेल और विटामिन ई का एवियन कैप्सूल, जो मार्केट में बहुत ही इजीली किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगा। एलोवेरा जेल तो आपको किसी भी किराने की शॉप पे मिल जाएगी, बट जो विटामिन ई का एवियन कैप्सूल है गाइज ना, वो आपको मेडिकल स्टोर से ही मिलेगा। और जो विटामिन ई का एवियन कैप्सूल है गाइज ना, वो 2 कलर में अवेलेबल है। एक तो फर्स्ट गाइज येलो कलर में है, सेकेंड आपका ग्रीन कलर में है। येलो जो है गाइज ना, वो 600 mg की है एंड ग्रीन जो है 400 mg की है। तो आपने ग्रीन वाला आप लेना, बहुत ही ईजिली आप 30 से 40 रुपीज में आपको ये उसका एक पत्ता मिल जाएगा, जिसमें से 10 या 12 कैप्सूल होते हैं। और आपने जब भी इसे यूज करना है ना, 1 कैप्सूल ही यूज करना है, क्योंकि आपकी स्किन के लिए बहुत ही सफिशियंट है। और इसे लगाने से आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फेयर होती है गाइस। ऑयली स्किन वाले के लिए तो बहुत अच्छी है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छी है। आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, आपकी स्किन पे बहुत ही ज्यादा ग्लो रहता है, आपकी स्किन पे जो बहुत सारे ब्लैक स्पॉट, दाग धब्बे या एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स भी आपकी रिमूव हो जाती है गाइस। और इसमें मैं मिक्स करूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे प्योर एलोवेरा जेल गाइस लिया है। अगर आपको मिल जाए आपके घर पे अपना है, तो फिर आप उसका उसके पत्ते से आप निकाल कर उससे में आप बनाकर उसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, मैंने मार्केट के लिया है। वैसे मैंने ट्राई किया है कि मुझे बिल्कुल प्योर एलोवेरा जेल मिले, वही मैंने लिया है। और एलोवेरा जेल लगाने से गाइज ना, आपकी स्किन बहुत ही क्लियर हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, आपके फेस पर जो भी एंटी एजिंग या आपकी आंखों के नीचे जो फाइन लाइन की प्रॉब्लम्स होती है वो भी सारी दूर हो जाएंगी गाइज, और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है। तो इन दोनों को मिक्स करके गाइज मैं ये क्रीम बनाऊंगी, नाइट क्रीम। और अभी गाइस मैंने ये बना लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। ये जो हमारी क्रीम है, ये बिल्कुल आप देख सकते हो इस तरह आपको नजर आएगा गाइस। बिल्कुल जब इन दोनों को आप यूज करेंगे, मिक्स करेंगे ना, तो बिल्कुल क्रीम फ्लेवर में लाइट ग्रीन कलर का आपको बनके मिलेगा। और जो इसकी स्मेल होती है गाइस ना, बहुत अच्छी माइंड ब्लोइंग होती है। आप इसे लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आपके फेस से अजीब तरह स्मेल आई हो, कुछ आपको इस तरह महसूस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्रीम की तरह रहेगा, और इसकी जो स्मेल है ना, वो बिल्कुल क्रीम की तरह रहेगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह इसे बनाना है और कैसे आपने इसे लगाना है। इसे बनाने के लिए गाइस ना, आपने लेना है प्योर एलोवेरा जेल। आप देख सकते हैं ये प्योर एलोवेरा जेल है। तो इसकी क्वांटिटी मैं 1 स्पून ले लूंगी। 1 स्पून आपने ले लेना है। यहाँ पे गाइस मेरा ये 1 स्पून के लगभग हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूंगी गाइस विटामिन ई का एक कैप्सूल। गाइस आपने ग्रीन वाला ले लेना है। आपके पास जो वो इसमें के 2 आपको मिलेंगे, 2 कलर में, एक ग्रीन कलर में मिलेगा आपको, एक येलो कलर में मिलेगा, मैं आपको दिखा दे रही। तो इस तरह गाइस जो मार्केट में अवेलेबल है ना, वो 2 कलर में अवेलेबल है, एक ग्रीन में, एक येलो में। इन पे ना MG लिखा होता है, वो देख के आपने लिखना है। ये 400 mg की है, अभी आपको दिख गया होगा, ये देख सकते हैं आप 400, और ये जो होती है ना ये 600 की, येलो जो आपका होता है वो 600। तो ये गाइस देख लेते हैं, ये एवियन 600 की है। तो आपने जब इसमें यूज करना है, तो येलो जो आपने ग्रीन वाला है वही आपने यूज करना है, येलो आपने नहीं लेना है, क्योंकि आपको 400 mg की ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो है एक कैप्सूल इसमें से निकाल लिया है, और वही मैं इसमें ऐड करूंगी। तो इस तरह गाइस आपने 1 कैप्सूल इसमें ऐड कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा इसमें निकाल दिया है, इसे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने ना इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह गाइज आपने इसे मिक्स कर लेना है। जब भी गाइज आप मिक्स करेंगे ना, तो बिल्कुल आपका ये क्रीम फ्लेवर में हो जाएगा, ये ग्रीन से बिल्कुल व्हाइट कलर में आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल ये क्रीम की तरह आपका हो जाएगा। और ये गाइस जो है ये रेमेडी ना, बिल्कुल आपके लिए फेस के लिए बहुत ही हेल्दी है नाइट क्रीम। गाइज अभी हमारी क्रीम रेडी है, और इसे मैं अपने दोनों हाथों में ऐसे लूंगी, और ऐसे करके मैं इसे अपने फेस पर लगा लूंगी। एंड हाँ गाइस, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने टिश्यू पेपर लिया है, मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया मेरे फेस पर, ओनली लिपस्टिक एंड आईब्रो पेंसिल है। जब मुझे ऐसी क्रीम लगानी होती है गाइज ना, तो फिर मैं अपने फेस पर कोई मेकअप नहीं करती हूँ। तरह गाइज आपने इसे ले लेना है, और अपने दोनों हाथों पर ऐसे रब करते हुए हल्के हाथों से अपने फेस पर आपने इसे लगा लेना है, और ओवरनाइट के लिए आपने इसे छोड़ देना। बहुत ही स्मूथली आपने हल्के हाथों से अपने हाथों फेस पर मसाज करना है, रब नहीं करना, और अपने नेक पे आपने लगा लेना है। और सुबह जब आपने वॉश करना है गाइस ना, तो आपने इसे बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से आप इसे वॉश कर सकते हैं।
गुनगुने पानी से वॉश करेंगे तो गाइस ज्यादा सही रहेगा आपके फेस के लिए, अदरवाइज आप नॉर्मल वाटर से भी इसे वॉश कर सकते हैं। बट मेरा अगर देखेंगे गाइस तो मैं जब भी ये क्रीम यूज करती हूँ तो मॉर्निंग में इसे ओवरनाइटली ऐसे छोड़ देती हूँ। और गाइस ये जो मैं वीडियो बना रही है ना ये भी रात में ही बना रही हूँ, अभी रात में टाइम लगभग 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे और उसी टाइम में इसे लगाने से पहले सोने से पहले मैं इसे इस तरह लगा लेती हूँ। तो प्लीज गाइस मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊं और आपको दिखा भी दूं कि किस तरह आपने नाइट क्रीम बनानी है। तो इस तरह गाइस आप बना सकते हो और अपने फेस पे एक प्यारा सा निखार ला सकते हैं। मॉर्निंग में जब भी उठेंगे ना गाइस ना तो आप देखेंगे आपके फेस पर कोई भी सिकन या जो एक आपको थकावट सी होती है ना वो आपकी सारी दूर हो जाएगी, आपका फेस बिल्कुल खिला खिला सा रहता है। ऐसे लगता है जब भी आप ऐसे अभी आपने अपने फेस पर कुछ लगाया हो ऐसे बिल्कुल मिलेगा आपको, आपका फेस बहुत ही ज्यादा फ्रेश मिलेगा। तो इस तरह आपने गाइस इसे लगा लेना है और लगाने के लिए बाद गाइज आपने ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ देना है एंड मॉर्निंग में हल्के गर्म पानी से आपने इसे वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं अभी जो मेरा फेस है कितना ग्लो कर रहा है गाइज। अगर चाहें तो आप इसे हाथों पर भी ऐसे लगा सकते हैं। इससे गाइज क्या होगा ना जब आपने हाथों पर लगाएंगे तो ये जो आपके यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसे ऐसे रहते हैं बिल्कुल क्या बोलते हो बहुत ही देखने में बुरा लगता है जैसे बुजुर्गों के हाथ हो जाते हैं उस तरह विंटर में ऐसा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएंगी अगर आप इसे लगाएंगे अपने फेस पे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं, हैंड पे भी लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपके हाथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ही क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरह अपने हाथ पे आप अपने पूरे फुल आर्म्स पे या कहीं भी आप इस तरह गाइज इसे लगा सकते हैं, गाइज आप इसे बना सकते हैं और अपने फेस पर लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।